मार्शलों के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं इस मामले में विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस सभी मामले को गंभीरता से लेते हुए राहुल गांधी और विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई, और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूं, यहां हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद।